आचार्य चाणक्य ने कुत्तों से सीखने वाली चार बातों को वर्णन किया है, और वे कौन सी गुणों हैं जो कि हमें सीखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को रहस्यमय एवं फैक्ट से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो बात करते हैं चाणक्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य को कौन नहीं जानता? चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति आचार्य चाणक्य के ग्रंथों को एक बार पढ़ लेता है, तो उसे अपने जीवन की समस्याओं को हल करने की बड़ी ही सुविधा मिलती है, और बहुत ही आसानी से अपनी समस्याओं को हल कर सकता है। आचार्य चाणक्य बहुत ही ज्ञानवान और चतुर इंसान थे। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ में कुत्तों के कुछ गुणों के बारे में बताया है, जो कि आप सभी को उससे सीखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं सतर्कता या सजगता। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो हमेशा ही सतर्क रहता है। कुत्ता चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी सी आहट होते ही वह खड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार इंसान की नींद भी कुत्ते के जैसा ही होनी चाहिए। कुत्ते का यही गुण हमें हमारे जीवन में सुरक्षित रखता है और दुश्मनों से बचाता है। अब बात करते हैं दूसरी गुण का, संतुष्टता या फिर संतोष। कुत्ता कभी भी खाने का कीड़ा नहीं बनता, जो भी मिले उसे खा लेता है। हमें भी हमारे जीवन में सुखी होने के लिए यही गुण अपनाना चाहिए। हमें भूख के समय जो भी खाने को मिल जाए उसे प्रेम पूर्वक खा लेना चाहिए। संतोष होकर काम करने से हमें जरूर सफलता एक दिन प्राप्त होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट गुण की, तो वह है वफादारी या फिर निस्वान। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो वफादारी के नाम से जाना जाता है। वह कभी भी अपने मालिक को धोखा नहीं देता। वफादारी उसका सबसे बड़ा गुण है। ठीक वैसे ही हमारी अपने काम के प्रति और भगवान के प्रति निस्वान रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अंतिम गुणों की, तो वह है वीरता या निडरता। आचार्य चाणक्य ने कुत्ते को वीरता की सराहनी की है। चाहे कुत्ता कितना भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन वह बड़ी ही बहादुरी से अपनी वीरता दिखाता है। वह अपने मालिक को कभी भी धोखा नहीं देता। ठीक वैसे ही हमें हमेशा निडर रहना चाहिए। कार्य में सफलता के लिए जोखिम लेने के लिए या जोखिम लेने से कभी नहीं घबराना चाहिए। दोस्तों, ये आचार्य चाणक्य की ये चार बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं किसी नई ज्ञानवर्धक जानकारी लेके किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।